बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स का ये हमारा है लेक्चर नंबर 4। और अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉप डाउन अप्रोच बाय जिम क्यूरॉस एंड कीथ रॉस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया है। और उसमें हमने डिस्कस किया है कि इंटरनेट क्या होता है और नेटवर्क एजेस क्या होते हैं, नेटवर्क कोर क्या होता है। और अपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट स्ट्रक्चर क्या है, कि आईएसपी कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और किस तरह से डेटा ट्रैवल होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि जब हम पैकेट को एक नोड से दूसरी नोड तक ट्रैवल करवाते हैं तो रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर, रियल इंटरनेट के अंदर, क्योंकि वो मल्टीपल कंपोनेंट से पास हो रहा होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ डिलेज आते हैं, कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो हमने ये टाइप ऑफ डिलेज देखे और फिर हमने देखा कि अगर हम पैकेट लॉस होता है तो उसको किस तरह से रिकवर किया जाता है। और फिर हमने देखा कि किस तरह से नेटवर्क की थ्रूपुट अफेक्ट होती है बाय बॉटलनेक प्रॉब्लम, तो उसको हमने देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नेटवर्क को प्रोटोकॉल लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम जबकि हम जब देखते हैं तो हमारे लिए इंटरनेट एक सिंगल एज अ वन एंटिटी काम करता है, लेकिन इसको लॉजिकली मल्टीपल लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया। वो डिवीजन क्यों की गई है, इसकी क्या जरूरत थी और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास हमें लेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि इंटरनेट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेज हैं जो कि मिलके हमारी डेटा को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाती हैं। उन डिवाइसेज में होस्ट भी आते हैं, राउटर्स भी आते हैं, मल्टीपल मीडिया लिंक्स भी आते हैं, बी एट वायर्ड मीडिया लिंक और वायरलेस मीडिया लिंक, फिर कुछ एप्लीकेशन आते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं, कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आते हैं। तो हम कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इंटरनेट कहने को तो एक सिंगल एंटिटी है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस काम कर रही हैं, मल्टीपल एंटिटीज हैं जो कि मिलके उसे एक सिस्टम बना रही हैं। तो हर एंटिटी पे कुछ ना कुछ काम, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह ये रहे हैं कि बजाय उसके उस पूरे सिस्टम को हम एक एंटिटी के तौर पर कंसिडर करें, वो समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया गया कि उसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि उसको समझना आसान हो जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इज देयर एनी होप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, और एटलीस्ट आर फॉर द डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, नेटवर्क को हम लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं? सो आंसर टू दी बोथ बोथ दीज क्वेश्चन इज येस, वी कैन ऑर्गेनाइज आर नेटवर्क फॉर डिस्कशन पर्पज। ऑब्वियसली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम नेटवर्क को डिवाइड नहीं, लेयर्स में डिवाइड करके नहीं देख सकते, लेकिन फॉर डिस्कशन पर्पज हम कहते हैं कि हमने अपने जो नेटवर्क है उसको सर्टन लेयर्स के अंदर डिफाइन किया गया। और लेयर्स में डिफाइन करने का मकसद क्या था कि हर लेयर की एक फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर दिया जाए। जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो एक एंटिटी नहीं होता, वो मल्टीपल पीसेस से मिलके बना हुआ होता है। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एयरप्लेन सिस्टम की बात करते हैं। जब हम एयरप्लेन सिस्टम की बात करते हैं तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस इंक्लूडेड है। जैसे कि आपने टिकट एजेंट से टिकट लिया, फिर आपने बैग चेकर से आपने अपना बैगेज चेक करवाया, उसके बाद आप गेट पर्सनल के पास जाते हैं, फिर पायलट्स होते हैं, फिर आपका एयरप्लेन होता है, दैट इज समथिंग दैट इज अ हार्डवेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसके बाद आपके पास एक वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम या राउटिंग सिस्टम है जो कि आपके प्लेन्स को रूट प्रोवाइड करता है। तो ये वो कुछ हम कह सकते हैं एंटिटीज हैं जो कि एक एयरप्लेन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो हम जब एयरप्लेन सिस्टम को देखते हैं वो एक एज अ होल एंटिटी है, लेकिन वो भी मल्टीपल पीसेस से या वो भी मल्टीपल कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो हम उसको भी लेयरिंग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने एयर ट्रेवल को। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर किसी ने फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन बाय एयर ट्रेवल करना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जाके टिकट परचेज करेगा, उसके बाद अपना बैगेज चेक करवाएगा, उसके बाद गेट पे लोड होगा, देन उसके बाद जो प्लेन है वो रनवे पे टेक ऑफ करेगा, उसके बाद एयर राउटिंग होगी, ठीक है। और ये हम कह रहे हैं ये सारा हमारे पास सोर्स साइड पे हो रहा है, ठीक है।
जहां से आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपका एयरप्लेन राउटिंग के बाद रनवे पे लैंड होगा, फिर उसके बाद गेट पे अनलोडिंग होगी, बैगेज क्लेम करेंगे आप अपना, और इफ यू हैव अ अनकंफर्टेबल फ्लाइट तो आप उसके मुताबिक कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे स्टेप्स हुए हैं ये वाले, इनका ऑपोजिट यहाँ पे इस साइड पे हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर एयर ट्रेवल, जो कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स का प्रोसेस है। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपनी एयरलाइन फंक्शनैलिटी को लेयर्स में डिवाइड करें तो हमारे पास पांच लेयर्स बनती हैं। पहला लेयर बनती है टिकटिंग की, दूसरी बनती है बैगेज की, तीसरी गेट की बनती है, चौथी हमारे पास टेक ऑफ और लैंडिंग की बनती है, और पांचवी लेयर हमारे पास बनती है एयरप्लेन राउटिंग की, ठीक है। सो इसको लेयरिंग वाइज बताने का मकसद क्या है कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स सिस्टम था, एयरप्लेन सिस्टम था, उसको हमने जब लेयर्स में डिवाइड कर लिया तो उसको समझना भी आसान हो गया और किसी और को समझाना भी आसान हो गया। लेट्स सपोज यू वांट टू एक्सप्लेन समबडी कि किस तरह से आपने अपना एयर जो ट्रैवल है वो प्लान करना है, तो आप सबसे पहले उन्हें इन लेयर्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आप टिकट खरीदें, बैगेज लोड करवाएं, गेट पे जाएं, टेक ऑफ करें, लैंड करें, राउट होगा, ठीक है। तो ये कुछ लेयरिंग है, लेयरिंग टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप अपना जो काम है वो आसानी से समझा सकते हैं। है तो नो डाउट वो एक ही सिस्टम, लेकिन उसको हमने लेयरिंग में डिवाइड क्यों किया, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, राइट। सो लेयरिंग का पर्पस क्या है कि हम हर लेयर पे एक सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू इट्स ईच लेयर इम्प्लीमेंट्स अ सर्विस थ्रू इट्स ओन इंटरनल लेयरिंग एक्शन। अब जो टिकटिंग का सिस्टम है वो एक इंटरनल एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है। तो वो एक अलग से एक सिस्टम है, लेकिन उसको हम डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे, हम इसे एक सिस्टम एक लेयर के तौर पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन रिलाइंग ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लेयर बिलो, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि टिकट के बगैर आप अपना बैगेज चेक नहीं करवा सकते, बैगेज के बगैर आप गेट क्रॉस नहीं कर सकते, गेट क्रॉस किए बगैर आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। और टेक ऑफ के बगैर तो एयरप्लेन राउटिंग पे एयरप्लेन पे आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक जो लेयर की सर्विसेज हैं वो आपको इनेबल करती हैं दूसरी लेयर पे जाने के, ठीक है। तो अब इस ये तो एक रियल लाइफ एनालॉजी हो गई। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास लेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर लेयरिंग की जाती है। सबसे पहले जब भी हम किसी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डील कर रहे होते हैं तो हमें कुछ स्ट्रक्चर को पीसेस में डिवाइड करके उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हर जो पीस है वो क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है या उसका क्या रिलेशनशिप है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर हम होस्ट को देखें तो होस्ट का क्या रिलेशन होगा हमारे नेटवर्क के साथ, हम ये देखेंगे तो फिर हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम उसे किस जो लेयर है उसके अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो लेयरिंग का एक मकसद क्या है कि आपको जो फंक्शनैलिटी है वो आइडेंटिफाई करने की आसानी हो जाती है। दूसरा इसका जो पर्पस है वो क्या है कि जब आप मॉड्यूलर सिस्टम बना देते हैं तो आपकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है। आपने लेयरिंग पे जब अपना सिस्टम डिवाइड कर दिया तो उसकी स्क्रूटनी भी आसान है, उसको अपडेट करना भी आसान है, और अगर वहां पे कोई फॉल्ट आ गया है तो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना भी आसान है, राइट। तो उसकी मेंटेनेंस अपडेट करना उसको वो सारा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज टिकट, हम एयरप्लेन की एग्जाम्पल ही लेते हैं, तो हम कहते हैं लेट्स सपोज टिकट बुकिंग में डिले हो रहा है, सो अल्टीमेटली फॉरन आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि जो आपका मॉड्यूल या जो लेयर आपकी डिले जनरेट करी है वो कौन सी है, वो टिकटिंग वाली लेयर है, राइट। लेट सपोज लोडिंग में टाइम लग रहा है, सो ऑब्वियसली यू विल पिन पॉइंट एंड मेंटेन दैट पर्टिकुलर लेयर कि इधर जो लोडिंग का काम है वो जल्दी हो, सो आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। तो मॉड्यूलाइजेशन या फिर हम कहते हैं कि मॉड्यूल्स बनाना, लेयर्स बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है और सिस्टम को अपडेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। So change and implementation of the layer service is layer service transparent to the rest of the system. Change into the gate procedure doesn't affect the rest of the system. So यहाँ पे modularization का या modules बनाने का मकसद भी ये था कि आपकी कोई एक layer पे जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो बाकी सारा system affect ना हो। अच्छा,
अब यहाँ पे कुछ जो रिसर्चर्स हैं उनकी डिबेट भी आती है कि लेयरिंग से कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक वो बताते हैं वो ये कहते हैं कि आपका तो इंटरनेट एक एज अ होल सिस्टम है, जब आप उसको लेयरिंग में डिवाइड कर देंगे तो आपकी हो सकता है कि आप कहें कि लेयर वन फलां सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो सेम सर्विस लेयर थ्री भी प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है। तो जो सर्विसेज हैं वो मिक्स हो सकती हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो वो डेटा जो कि लेयर टू पे आपका यूज हो रहा है वो वन ही लेयर थ्री पे रहा हो, ठीक है। जब हम ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में तो डिविजन नहीं है, रियल लाइफ में तो डिविजन नहीं है, लेकिन फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पज और फॉर रिसर्च पर्पज हमने अपने इंटरनेट को लेयर्स में डिवाइड कर दी है। तो जब हम लेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हो सकता है हम कह रहे हो कि हमारा जो डेटा लेयर सेवन पे यूज हो रहा है या लेयर लेट्स सपोज लेयर थ्री पे यूज हो रहा है वो जनरेट लेयर फाइव पे हो रहा हो, ठीक है। तो अबव जनरेट हो रहा है और पहले आप उसे यूज कर रहे हैं तो ये तो लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। तो ये डिबेट है, लेकिन जो ज्यादा अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ज्यादा प्रोज हमें नजर आते हैं लेयरिंग टेक्निक में, सो इसलिए हम अपने इंटरनेट को लेयर्स में डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। सो जब हम इंटरनेट की लेयरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो मॉडल आते हैं, एक आता है हमारे पास आईपी स्टैक और एक आता है हमारे पास आईएसओ मॉडल, ठीक है। जो हमारे पास आईपी स्टैक है इट इज एक्चुअली सॉरी ओएसआई मॉडल, ठीक है। एक हमारे पास है आईपी स्टैक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फाइव लेयर मॉडल, दिस इज आईपी स्टैक, और दूसरा हमारे पास होता है ओएसआई मॉडल विच इज सेवन लेयर मॉडल, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपनी अगली स्लाइड के अंदर। सो आईपी जो हमारे पास स्टैक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक है, ये हमारे पास फाइव लेयर्स पे कंसिस्ट करता है। सबसे जो पहली लेयर है वो हमारे पास है फिजिकल लेयर, दूसरी हमारे पास है लिंक लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, तीसरी हमारे पास है नेटवर्क लेयर, चौथी हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, और पांचवी जो हमारे पास लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। जब हम स्टडी करते हैं एज आर बुक नेम सजेस्ट इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच, तो हम क्या करेंगे, हम जो अपना ये बुक भी पढ़ेंगे इसमें भी एप्लीकेशन लेयर से हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क लेयर को पढ़ेंगे, फिर हम डेटा लिंक लेयर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिजिकल लेयर का चैप्टर पढ़ेंगे। तो कुछ ये जो हम बुक फॉलो करें, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। लेयरिंग को पढ़ने के मल्टीपल तरीके हैं, अगर आप बॉटम अप अप्रोच पढ़ें तो भी आपका जो इंटरनेट का स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, लेकिन ये अप्रोच आपकी डिपेंड करती है कि आप टॉप डाउन अप्रोच पढ़ते हैं बॉटम अप पढ़ते हैं। तो हम टॉप डाउन अप्रोच पढ़ते हैं क्योंकि एज अ इंटरनेट यूजर हम मोर फेमिलियर हैं टू दी इंटरनेट एप्लीकेशन रादर देन फिजिकल मीडिया और उसकी टेक्निक से हम ज्यादा फेमिलियर नहीं है। एज अ इंटरनेट यूजर हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा पता है या एप्लीकेशन लेयर के बारे में ज्यादा पता है, ठीक है। सो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से। सो एप्लीकेशन लेयर आपके बेसिकली उस होस्ट से डील कर रही है जिसके अंदर इंटरनेट एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है, और इंटरनेट जो एप्लीकेशन लेयर है उस पे जो प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं उनमें है हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि हम अपने डेटा को ब्राउज करने के लिए HTTP HTTPS ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। फिर उसमें है हमारे पास SMTP प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर हमारे पास FTP प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में आते हैं। फिर हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली काम क्या होता है कि एक प्रोसेस से डेटा को उठा के दूसरे प्रोसेस पे तक पहुंचाना। लेट सपोज आपने एक हम कहते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं पहले क्लियर, ओके तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे सोर्स है और एक हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। सो अब इस सोर्स पे एक प्रोग्राम रन हो रहा है, ये दूसरा प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। इस पे भी हम कहते हैं कि एक और दो प्रोग्राम रन हो रहे हैं, ठीक है। इसको
इसको हम कह देते हैं ये सोर्स है, और हम इसको कह देते हैं ये हमारा डेस्टिनेशन है, और ये दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में कनेक्ट हुए हैं थ्रू अ वायर। ठीक, ओके। सही हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इस पे प्रोसेस वन रन हो रहा है और इस पे प्रोसेस टू रन हो रहा है। सिमिलरली इस पे प्रोसेस वन रन हो रहा है, इस पे प्रोसेस टू रन हो रहा है। सो प्रोसेस वन का डेटा प्रोसेस वन तक पहुंचे, प्रोसेस टू का डेटा प्रोसेस टू तक पहुंचे, ये काम करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। ठीक है, कि एक प्रोसेस से डेटा को उठा के किसी दूसरे प्रोसेस में किसी डेस्टिनेशन नोड पे पहुंचाना, वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि आपका जो एक पीसी है या एक जो हार्डवेयर डिवाइस है उससे डेटा को किसी डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचाना। ठीक है, तो जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है वो किसका काम है, वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी किसका काम है, वो हमारी जो नेटवर्क लेयर है उसका काम है। सो नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास जो राउटिंग है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि राउटिंग क्या होती है और किस तरह से होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे नेटवर्क लेयर के काम होते हैं। तो जो प्रोटोकॉल्स ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है, जब हम मेनली लेयरिंग पे फोकस करते हैं तो हम प्रोटोकॉल्स पे फोकस करते हैं। सो एप्लीकेशन लेयर के जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं वो है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, हमारे पास एसएमटीपी प्रोटोकॉल है, हमारे पास एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, हमारे पास पॉप प्रोटोकॉल है। इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल हो गया, जो हमारी एप्लीकेशन को डील करते हैं वो हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हमारे पास है टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर जब हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल और बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि हम लेटर ऑन अपने चैप्टर नंबर जब लेयरिंग नेटवर्क लेयर को पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जितने भी हैं वो नेटवर्क लेयर में आते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है डेटा, जो डेटा लिंक लेयर है या जिसे हम लिंक लेयर भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली स्विचेस पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो इधर काम आता है, जैसे कि हमारे पास ईथरनेट का प्रोटोकॉल हो गया, या हमारे पास एक वायरलेस प्रोटोकॉल है, वाईफाई का प्रोटोकॉल है 802.11, ठीक है, या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। ये सारे प्रोटोकॉल हमारे डेटा लिंक लेयर, या फिर आप इसे डीएलएल भी कहते हैं, या डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं, या फिर इसे लिंक लेयर भी कहते हैं। ठीक है, और फिजिकल लेयर जहाँ पे आपकी बिट्स एक्चुअली वायर या वायरलेस मीडियम के थ्रू प्रोपगेट कर रही होती है, वो हम कहते हैं हमारा फिजिकल लेयर। ठीक है, सो अच्छा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन लेयर पे जो हमारा मैसेज जो डेटा होता है उसे हम कहते हैं ये हमारा मैसेज है। ठीक है, वही डेटा जब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो हम कहते हैं अब वो डेटा हमारा सेगमेंट बन गया। ठीक, जब नेटवर्क लेयर पे आते हैं तो हम कहते हैं वो जो सेगमेंट है उसके ऊपर भी कुछ इंफॉर्मेशन एडअप हो गई है और अब उसे बना दिया गया एक पैकेट। जब वही पैकेट आपका डेटा लिंक लेयर पे आता है तो उसके ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन एम्बेड करके उसे फ्रेम बना दिया जाता है, और वही फ्रेम जब आपका फिजिकल लेयर पे आता है तो उसे हम कहते हैं बिट। ठीक है, सो हर लेयर पे जो डेटा है, डेटा तो ऑब्वियसली सेम ही आपका जो एप्लीकेशन है वो डेवलप जो जनरेट कर रही है वो डेस्टिनेशन तक वही जा रहा है, लेकिन उसके नाम हर लेयर पे डिफरेंट है। एप्लीकेशन लेयर पे उसे मैसेज कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम उसे सेगमेंट कह रहे हैं, नेटवर्क लेयर पे हम उसे पैकेज कह रहे हैं, डेटा लिंक लेयर पे हम उसे फ्रेम कह रहे हैं, और फिजिकल लेयर पे हम उसे बिट्स कह रहे हैं। ठीक है, अब इसकी एक हम जब हमने बात की थी, हमने कहा हमारा एक आईपी स्टैक है या एक आईपी जो लेयरिंग मॉडल है, एक है उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल आईपी स्टैक का मॉडल है, और दूसरा हमारे पास है आईएसओ या ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा आईपी स्टैक है वो हमारा है 5-लेयर मॉडल, और जो हमारा ओएसआई मॉडल है इट इज अ 7-लेयर मॉडल। ये पहले प्रेजेंट किया गया था, बाद में कुछ लेयर्स को मर्ज कर दिया गया, उनकी फंक्शनैलिटी को मर्ज कर दिया गया और उसे 5-लेयर मॉडल पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो 7-लेयर मॉडल है उसमें बाकी लेयर्स तो सेम है, लेकिन दो लेयर्स एडिशनल हैं, एक है प्रेजेंटेशन और एक है सेशन लेयर।
सो प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को डिस्कस किया गया, बाकी सारी जो फंक्शनैलिटी है वो बाकी जो पिछले हम आईपी स्टैक के अंदर डिस्कस करके आए हैं बाकी सारी फंक्शनैलिटी वही है। सो इसमें जो लेयर वन है वो क्या है, फिजिकल लेयर, फिर लेयर टू डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, देन हमारे पास सेशन लेयर है, देन प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। सो इट इज अ सेवन लेयर मॉडल एंड आईपी स्टैक इज अ फाइव लेयर मॉडल। तो जो डिफरेंस है वो क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर इसमें एडिशनल थी, वो क्या करती थी कि प्रेजेंटेशन लेयर में जो आपने डेटा जनरेट किया है उसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या जो भी कंप्रेशन है वो सारी टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई की जाती थी उसको इंक्रिप्ट करने के लिए डेटा को। फिर बाद में जब आईपी मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया तो आईपी मॉडल के अंदर ये जो फंक्शनैलिटीज है इंक्रिप्शन की वो एम्बेड कर दी गई ट्रांसपोर्ट लेयर और कुछ फंक्शनैलिटीज इंबेड कर दी गई एप्लीकेशन लेयर के अंदर, ठीक है। और सेशन लेयर का काम क्या था कि सेशन लेयर हमारी सिंक्रोनाइजेशन और जो डेटा रिकवरी के मेथड थे उनके साथ डील करती थी, ठीक है। सो इंटरनेट जो स्टैक, जो आईपी स्टैक हम बात कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस पढ़ा है, जो फाइव लेयर मॉडल है, उसके अंदर ये जो लेयर थी वो मिसिंग थी, ठीक है। दीज सर्विसेज इफ नीडेड मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे नीडेड की बात जब हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको इंक्रिप्शन की जरूरत है और डेटा सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है तो आप जो है वो ये जो फंक्शनैलिटीज हैं ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर एम्बेड करेंगे, ठीक है। अगर आप आईपी स्टैक यूज कर रहे हैं तो ये फंक्शनैलिटीज आपकी एप्लीकेशन लेयर के अंदर एम्बेड हो जाएंगी, ठीक। तो ये जो दो लेयर्स हैं इनको मर्ज कर दिया गया आईपी स्टैक के अंदर, राइट। सो OSI model is a 7-layer model and IP stack is a 5-layer model. अब हम discuss करते हैं कि किस तरह से हमारा जो data है application layer से जैसे generate होता है, तो मैंने कहा application layer पे उसे message कहते हैं, transport layer पे segment कहते हैं, तो उसे क्यों segment कहते हैं और वो क्या चीज है जो उसे segment बनाती है वो हम देखते हैं। तो source पे application layer में एक message generate किया, वो मैसेज जब आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, अपना एक हेडर इन्वॉल्व अटैच कर देती है उसके साथ। तो अब ये पूरा जो हमारे पास हेडर प्लस मैसेज है ये एक्ट कर रहा है एज अ मैसेज फॉर दी नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो अब ये जो सेगमेंट आएगा नेटवर्क लेयर पे तो हमारे पास मैसेज है, साथ ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है और साथ जो हमारे पास नेटवर्क लेयर का हेडर है वो ऐड हो गया और अब हम इसे कह रहे हैं ये हमारा डेटाग्राम बन गया, ठीक है, या ये पैकेट बन गया, ठीक। अब जब यही पैकेट नीचे डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो डेटा लिंक लेयर अपना हेडर इस पे ऐड कर देगा और हम कहेंगे अब ये हमारा फ्रेम बन गया, ठीक है। और ये फ्रेम हमारा फिजिकल लेयर से होता हुआ मल्टीपल कंपोनेंट से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और डेस्टिनेशन पे ये जो अभी हमने काम किया ना कि मैसेज इनकैप्सुलेट हो रहा होता है हेडर्स के अंदर, तो डेस्टिनेशन पे वो मैसेज डीकैप्सुलेट हो रहा होता है, ठीक है। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है कि एक मैसेज को कैप्सूल्स के अंदर या आप कह लो कि उसके ऊपर हेडर चढ़ाते जाना, ठीक है, उसके ऊपर एक लिफाफे चढ़ाते जाना। लिफाफे बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं उसके ऊपर हमने एनवेलप चढ़ा दिया हर लेयर की स्पेसिफिकेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट लेयर से हो क्या है तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपनी एक स्टैंप लगा दी जिसे हम हेडर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर कह रहे हैं। जब नेटवर्क लेयर पे आया तो नेटवर्क लेयर ने अपनी एक स्टैंप लगा दी जिसे हम हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर कह रहे हैं। तो जो हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर है वो बेसिकली हेडर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर प्लस मैसेज के ऊपर लगा है, ठीक है। एक दफा हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो मैसेज था, मैसेज को जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचाया गया तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक हेडर ऐड कर दिया गया। अब वो पूरा मैसेज, ठीक है, ये जो मैसेज प्लस हेडर है वो आया नेटवर्क लेयर पे तो एक और हेडर ऐड हो गया जिसे HN का नाम दिया गया, हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर। अब ये पूरा का पूरा पैकेट लिंक लेयर पे आ रहा है तो उसने अपना एक हेडर ऐड कर दिया और फिर फिजिकल लेयर के थ्रू पास करके मल्टीपल कंपोनेंट से उसने भेज दिया डेस्टिनेशन तक। अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जब आप स्विच को देख रहे हैं तो स्विच में दो लेयर्स इंप्लीमेंटेड है, कौन कौन सी, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। हमने अगर आपको याद हो तो अपनी डेटा लिंक लेयर को जब डिस्कस किया तो मैंने आपको कहा वहां पे कि जो डेटा लिंक लेयर है वो स्विचेस पे इंप्लीमेंट होती है। तो स्विचेस पे
जो डाटा लिंक लेयर है और उससे नीचे वाली लेयर्स हैं वो सारी इंप्लीमेंट होती हैं। तो डाटा लिंक के लेयर के नीचे जो है वो सिर्फ फिजिकल लेयर है, तो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर स्विच में इंप्लीमेंट होती है, और राउटर में, राउटर चूंकि आईपी से डील करता है तो राउटर के अंदर नेटवर्क लेयर और उससे नीचे वाली जितनी लेयर्स हैं वो सारी एम्बेडेड होती हैं। तो नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये तीनों इसमें एम्बेडेड है। ठीक है, तो हमारा पैकेट यहाँ पे आया, सबसे पहले नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर रिमूव किया, ठीक है, फिजिकल लेयर ने अपना, फिजिकल लेयर ने डाटा लिंक लेयर को डेटा सेंड किया, डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर रिमूव कर दिया और डेटा भेज दिया नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर यहाँ से अपना हेडर रिमूव करेगा और देखेगा इस हेडर के अंदर बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सी जो आपकी डेस्टिनेशन है उसका आईपी एड्रेस क्या है, ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये निकालेगा और देखेगा कि कौन सी डेस्टिनेशन को डेटा सेंड करना है। तो वो डेटा जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे दोबारा वो जो जो आपका होस्ट है उस पे सातों की सातों लेयर्स इंप्लीमेंट हुई होती हैं। तो फिजिकल लेयर के थ्रू आपका डेटा यहाँ पे आएगा, डेटा लिंक लेयर अपना हेडर उतारेगा, नेटवर्क लेयर अपना हेडर उतारेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर उतारेगा। जब सारे हेडर उतर गए आपके तो मैसेज के, तो जो आपका ओरिजिनल मैसेज था वो एप्लीकेशन को डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सोर्स की साइड है यहाँ पे होता है मैसेज इनकैप्सुलेट, और जो डेस्टिनेशन साइड है वहां पे आपका मैसेज होता है डीकैप्सुलेट। ठीक है, ओके, सो अब हम बात करते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क अंडर अटैक, या जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट फील्ड है। जब हम बात करते हैं स्टार्ट ऑफ द नेटवर्क, जब इंटरनेट डिजाइन किया गया था, तो बेसिकली इंटरनेट बड़ा एक ट्रस्टवर्दी कनेक्शन के तौर पे डिजाइन किया गया था ओरिजिनली कि कुछ म्यूचुअली ट्रस्टवर्दी यूजर्स हैं जो कि आपस में डेटा को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन जो आज का इंटरनेट हम बात कर रहे हैं, आज के इंटरनेट में ये सिचुएशन या ये डेफिनेशन हमारी इंटरनेट की एग्जिस्ट नहीं करती। इंटरनेट पे ट्रस्टवर्दी आपका जो यूजर है वो भी मौजूद है और जो आपका जो बैड गाइज हैं वो भी मौजूद है। ठीक है, सो हम इंटरनेट को, हमारी जरूरत बन गई है कि हम अपने इंटरनेट को सिक्योर करें ताकि आपका डेटा सिक्योर हो सके, आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है डेटा की वो सिक्योर की जा सके। ठीक है, सो इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास बहुत मार्जिन मौजूद है काम करने का। सो हाउ नेटवर्क जो सिक्योरिटी की फील्ड है वो किससे डील करती है कि किस तरह से आपने जो बैड गाइज हैं उनको रोकना है ताकि वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क को अटैक ना कर सकें, किस तरह से अगर अटैक हो जाए तो आपने उन्हें डिफेंड करना है, और किस तरह से आप अपना आर्किटेक्चर नेटवर्क का डिजाइन ही ऐसा करो कि जो अटैकर्स हैं उनसे आप अपने सिस्टम को इम्यून कर सको। ठीक, तो नेटवर्क सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हर लेयर की सिक्योरिटी को हमें इंश्योर करना है। जब बैड गाइज की बात हो रही है तो बैड गाइज क्या है, बेसिकली वो पीसी या वो लोग जो कि आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा मैलवेयर इंस्टॉल कर दें या कुछ ऐसा मैलवेयर भेज दें जिसकी वजह से आपका जो डेटा है या तो जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो उन तक पहुंच जाए या फिर आपका जो सिस्टम है वो करप्ट हो जाए। ठीक है, तो मैलवेयर की मल्टीपल टाइप्स है, मैलवेयर वायरस भी हो सकता है, मैलवेयर वर्म भी हो सकता है, और मैलवेयर हमारा ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है। आई एम श्योर आपने ये जो टर्म्स हैं वो सुनी हुई होंगी, वायरसेस की जो मैलवेयर है उनकी टर्म सुनी होंगी। वायरस एज द नेम इंडिकेट, हम सारे जानते हैं वायरस एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंफेक्शन है जो कि खुद ब खुद जो आपकी डिवाइस है उसके अंदर रेप्लिकेट करता है खुद को। ठीक है, जैसे कि आपने कोई ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड की उसके साथ वायरस डाउनलोड हो गया तो वो आपके सिस्टम को करप्ट करता जाएगा। ठीक है, फिर कुछ है वर्म्स। वर्म्स क्या है, बेसिकली सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंफेक्शन है बाय पैसिवली रिसीविंग द ऑब्जेक्ट दैट गेट इटसेल्फ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि तब आपके सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं जब आपने कोई नेटवर्क एप्लीकेशन यूज की है। ठीक है, और ट्रोजन हॉर्सेस हमारे पास ऐसे मैलवेयर्स हैं जो कि आपने कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया लेकिन उसके साथ एक आपका मैलवेयर भी इंस्टॉल हो गया
जो कि ट्रोजन हॉर्स बेसिकली यही है कि आपकी यूजफुल जो चीज है उसके साथ एक हार्मफुल चीज भी डाउनलोड हो गई है जो कि आपके सिस्टम को अल्टीमेटली डैमेज कर रही है। और कुछ हमारे पास स्पाइवेयर मैलवेयर हैं जो कि आपके की स्ट्रोक्स को, आपकी जो विजिटेड वेबसाइट्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद आपका जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसको यूजिंग इंटरनेट जो बैड गाइज हैं उन तक पहुंचाता है ताकि वो उसे मिस यूज कर सकें। बाज़ोकास जो आपका जो मैलवेयर हैं वो इस तरह से आपके होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं कि आपको बगैर पता लगे आपका जो सिस्टम है वो बॉटनेट का पार्ट बन जाता है। नाउ व्हाट इज बॉटनेट? बॉटनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि किसी अटैक में यूज हो रहा होता है और उसको पता भी नहीं होता कि वो किसी अटैक का पार्ट है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, इन्फेक्टेड होस्ट कैन बी एनरोल्ड इन द बॉटनेट यूज फॉर द स्पैम डॉस अटैक। ठीक है, डबल डी जो डॉस अटैक्स हैं वो क्या है बेसिकली कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या है डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन बॉटनेट बेसिकली क्या है कि एक ऐसा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है जो कि मिलके एक सिस्टम को अटैक करते हैं ताकि उस सिस्टम को क्रैश किया जा सके। अब अगर आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे मैलवेयर इंस्टॉल हो गए हैं तो आपका जो सिस्टम है वो उस बॉटनेट का पार्ट बन जाएगा। यू वांट इट और नॉट, वो इस बॉटनेट का पार्ट है और वो उस अटैक में पार्ट लेगा, आप उसे चाहें या ना चाहें, क्योंकि वो आपका पीसी एक कॉम्प्रोमाइज पीसी है। ठीक है, सो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है कि बेसिकली जो आपका रिसोर्स होता है ना, चाहे वो आपकी बैंडविड्थ है, चाहे वो आपका सर्वर है, उसको वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो किसी और के इस्तेमाल के काबिल ना रहे। ठीक है, सो अटैकर क्या करते हैं, अब ये हमारा टारगेट है। ठीक है, सबसे पहले टारगेट सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो भी आपके कॉम्प्रोमाइज पीसीज हैं जो कि बॉटनेट का पार्ट है, ठीक है, ये जो सारे पीसीज हैं ये कॉम्प्रोमाइज पीसी हैं, इन सब ने क्या करना है, इन सब ने अटैक करना है एक डिवाइस पे। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये डिवाइसेज, ये जो रेड हैं, ये डिवाइसेज आपकी बॉटनेट का पार्ट हैं, ये हार्मफुल डिवाइसेज हैं जो कि अटैक कर रही हैं, लेकिन ये वो पीसीज हैं जो कि लेजिटिमेटली इस सर्वर को यूज करना चाहती हैं, जिनका काम है इससे। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सर्वर के साथ जो कनेक्शन है वो लिमिटेड कनेक्शन ही इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो क्या होगा जब ये सारे जो बॉटनेट हैं, बॉटनेट का जो पूरा एक बॉटनेट है वो अटैक करेगा जो सर्वर है उसको, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो आपके यूजफुल डेटा यूजेज के यूजर्स हैं उनको बैंडविड्थ ही नहीं मिलेगी, उनको पोर्ट्स ही नहीं मिलेंगी टू अटैच टू दी सर्वर। तो क्या होगा कि आपका जो अल्टीमेटली आपके नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं वो डाउन हो जाएंगी, और वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जो टारगेट है वही क्रैश कर जाए। अगर आपके टारगेट पे एट अ टाइम इतनी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है तो आपका जो टारगेट है वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो टारगेट है वही जो आपका बैंडविड्थ है या तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी या जो टारगेट है वो डाउन हो जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, सो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है बेसिकली कि जो बॉटनेट है या जो कॉम्प्रोमाइज पीसीज है वो एट द सेम टाइम अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो टारगेट है वो या तो डाउन हो जाता है या फिर वो लेजिटिमेट यूजर्स के काम का नहीं रहता। ओके, नाउ अनदर थिंग इज पैकेट स्निफिंग। स्निफिंग इज बेसिकली, अगर हम इसको उर्दू में समझें तो हम कहते हैं सूंघना। ठीक है, सो स्निफिंग, पैकेट स्निफिंग का क्या मतलब है कि आपकी जो डेटा आप एक नेटवर्क में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे भेज रहे हैं, समबडी इन द नेटवर्क वो उस पैकेट को देख रहा है कि आप क्या डेटा सेंड कर रहे हैं, उसने आपका जो क्या पासवर्ड्स हैं वो भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जो आपकी पैकेट स्निफिंग की टेक्निक है उसके लिए जरूरी है कि जो पैकेट स्निफर है या जो आपका अटैकर है वो उसी नेटवर्क का पार्ट होगा। तो सबसे पहले कहता है कि जो आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है, जो शेयर्ड इंटरनेट या शेयर्ड वायरलेस कनेक्शंस होते हैं, उनमें मोस्टली पैकेट स्निफिंग का काम होता है। पैकेट स्निफिंग का मतलब क्या है बेसिकली कि जो आपका नेटवर्क इंटरफेस होगा जो कि कॉम्प्रोमाइज होगा, वो क्या करेगा, वो आपके जितने भी पैकेट इस नेटवर्क पे जा रहे होंगे वो उनको रीड करेगा, उनका जो भी रिक्वायर्ड डेटा उसको चाहिए होगा वो उसे रिकॉर्ड करेगा, सच एज पासवर्ड, ठीक है, जो भी उधर से जा रहे हैं,
और फिर जब भी उसको उनको मिस यूज करना होगा तो वो उनको मिस यूज करेगा। तो वायरशार्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पैकेट स्निफर के तौर पे हम यूज करेंगे। हम अपनी लैब में इसको यूज करके भी देखेंगे ये पैकेट स्निफर किस तरह से काम करता है। ओके, द नेक्स्ट अटैक इज आईपी स्पूफिंग। जो नेक्स्ट टेक्निक है वो क्या है आईपी स्पूफिंग की। आईपी स्पूफिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो अटैकर है वो अपने आईपी एड्रेस की बजाय वो एक्ट करता है एज समबडी एल्सेस आईपी एड्रेस। ठीक है, लेट्स सपोज अब ए अटैक सी अटैक कर रहा है ए पे, तो सी ने जो अपना सोर्स रखा हुआ है, सी ने रखा हुआ है सोर्स बी। ठीक है, कि मैं तो अटैक तो सी कर रहा है लेकिन जो आईपी एड्रेस है वो किसका स्पूफ हो रहा है, वो बी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसने अपना जो आईपी है वो स्पूफ कर लिया, अपना आईपी छुपा लिया और किसी और का आईपी इस्तेमाल कर रहा है। कि अगर इनकेस बैक ट्रैक भी होता है तो जो आपकी एजेंसीज हैं या जो आपकी रिक्वायर्ड एजेंट्स होंगे वो इस तक ना पहुंचे, बल्कि वो क्या करेंगे, वो एक फॉल्स टारगेट तक पहुंच जाएंगे जो कि जिसको शायद पता भी ना हो कि उसका जो आईपी है वो स्पूफ होके किस मिसयूज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हमने जो सिक्योरिटी लूप्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, आईपी जो पैकेट स्निफिंग है वो, और आईपी स्पूफिंग की टेक्निक्स हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा चैप्टर वन का एंड है। अब जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हम एप्लीकेशन लेयर को डिस्कस करेंगे, वो हमारा चैप्टर टू स्टार्ट होगा इसी पैकेट का, कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉप डाउन अप्रोच। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। So that's all for today. I hope आपको समझ आया होगा।